आज हम जानेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं डिफरेंटिएट बिटवीन काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। इसमें हम डिफरेंस जानेंगे काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो ये टेबल में देखेंगे आप, सीरियल नंबर है यहाँ पर, काइनेटिक्स है और काइनेमेटिक्स है। ये काइनेटिक्स क्या होता है और काइनेमेटिक्स क्या होता है, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट, इट कैलकुलेट द मोशन एंड द कॉज ऑफ द मोशन। काइनेटिक्स में क्या होता है, इसमें हम मोशन एंड कॉज ऑफ द मोशन को कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक्स में। और काइनेमेटिक्स में क्या होता है, इट कैलकुलेट द ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल्स आर बॉडी। कोई पार्टिकल या बॉडी का हम ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं इसमें काइनेमेटिक्स में। सेकंड है इट काइनेटिक्स का, इट टेक्स इनटू अकाउंट द मास ऑफ ईच पार्टिकल इन द सिस्टम। इसमें हम जो प्रत्येक पार्टिकल का हम उसमें इस सिस्टम के द्वारा मास हम ले सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इट डज नॉट टेक्स इनटू अकाउंट द मास ऑफ ईच पार्टिकल इन द सिस्टम। इसमें प्रत्येक पार्टिकल का हम मास इसमें नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेमेटिक्स में। और काइनेटिक्स में क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है काइनेटिक्स। और काइनेमेटिक्स क्या है, इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। नेक्स्ट है काइनेटिक्स में, फॉर एग्जाम्पल टार्क, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, ये सब इसमें किस में आते हैं, काइनेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। काइनेमेटिक्स के अंतर्गत क्या आता है, एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, टाइम और वेलोसिटी। इसमें डिस्प्लेसमेंट, टाइम और वेलोसिटी आता है, इसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट है इट काइनेटिक्स में, इट कैलकुलेट द मोशन ऑफ द कॉज ऑफ दैट मोशन। इसमें है काइनेमेटिक्स में, इट कैलकुलेट द ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल्स आर बॉडी। इसमें हम क्या करते हैं काइनेटिक्स में, कोई भी मोशन का हम इसमें मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं या उसका हम कॉजेस निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें काइनेमेटिक्स में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स और बॉडी का हम ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक्स में इट टेक्स इनटू अकाउंट द मास ऑफ ईच पार्टिकल इन द सिस्टम। इसमें हम प्रत्येक एक एक पार्टिकल का इसमें मास निकाल सकते हैं काइनेटिक्स में, लेकिन काइनेमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। इट डज नॉट टेक्स इनटू अकाउंट द मास ऑफ ईच पार्टिकल इन द सिस्टम। काइनेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की ब्रांच है। और काइनेमेटिक्स क्या है, इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है काइनेमेटिक्स। और काइनेटिक्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल टार्क, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, जो काइनेटिक्स है इसके उदाहरण हैं टार्क, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, ये किस में आते हैं, काइनेटिक्स में आते हैं। और काइनेमेटिक्स में क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, टाइम और वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, टाइम और वेलोसिटी आता है किसमें, काइनेमेटिक्स में। ये होता है डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में।